गाइस ये मेरी लास्ट वीडियो है, मेरा चैनल डेड हो गया, अब से मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज है तेजस का फंक्शन स्कूल में। क्या है तेजस, पता है आपको? बसंत पंचमी। चल सबको स्टाइल दिखाओ, अपना कपड़े दिखाओ। तेजस की आज आउटफिट ऐसी है। ये मैन, गाइस आज है वैलेंटाइन डे और कोई भी एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं है। सुबह से राजू को सुबह 7 बजे से काम पे गई थी, तो अभी उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के अब मैं खड़ा हूँ। ये देखो, ये आउटलेट में ट्रक में कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब 8:30, 8:30 बजने लग गए, मतलब वैलेंटाइन मनाया नहीं इस बार, वही वाला सीन हो गया। और हमने एक दूसरे को कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, हर दिन वैलेंटाइन होता है कपल्स का, तो भूलने की बात है। तो गाइस हमारी वैलेंटाइन मील आ चुकी है, जो कि है बर्गर। ये देखो हमसे मिलने आए हैं बड़ी दूर से, घर ढूंढ ढूंढ के। कैसे ढूंढा? पीछे वाली गली से पूछ के आए। हाँ जी, लोगों को पता था हम कहाँ रहते। क्या, अच्छा क्या पूछा आपने? मैंने कहा कि ना, मतलब वो जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं चाइनीज और वो कहाँ पर रहते हैं? पीछे वाली गली में रहते हैं। अच्छा, तो फिर तब पूछा किससे? कब से देख रहे हो वीडियो? बहुत टाइम से देख रहे हो? बहुत ज्यादा, 3-4 साल हो गए मुझे देखते देखते। पहले दिल्ली रहते थे बट अब ये यहाँ पे रहते हैं। दिल्ली से ही देख रहे थे वीडियो? दिल्ली में रहते तब भी? ओके चलो, थैंक यू सो मच आए, इतना प्यार दिया। सब्सक्राइब भी किया हुआ, लाइक भी, सारी वीडियो पे आपको लाइक किया हुआ हमने। थैंक यू, तेजस के फैन है बहुत बड़े, है ना? हाँ जी। तो राधिका जी आ गई हैं, क्या लेके आए? गजरेला। दीदी कहती 15-20 दिन तक खाऊंगी मैं। तो नेपाल के लिए स्पेशल, जैसे वो आए थे ना इसकी दीदी, तो नेपाल में ना गजरेला बनाते नहीं है ना ज्यादा। मैंने एक बार बनाया था जिंदगी में, इतना गंदा स्वाद नहीं होता ना, मतलब नेपाल में बनाते भी नहीं और इतना ट्रेंड है नहीं। जैसे ट्रेंड होता है किसी चीज का, तो नेपाल में ऐसे ट्रेंड नहीं है कि बनाने के गजरेला खाने का। तो जब वो यहाँ आए, इसने खिलाया होगा तो उनको टेस्टी लगा, तो वो कहते कि भेज दो। तो अब राधिका भेज रही है। भाई ने पूछा था कि भेजा नहीं, उसने कल आना है ना वापिस, उसकी किस्मत में नहीं है। कहाँ है? अच्छा कल है फ्लाइट। अच्छा। नहीं है तो 22 को, बट कल निकल रहा है ना घर से वो। अच्छा अच्छा चलो यार, वो तो इंडिया में ही है, वो तो इंडियन आर्मी है, वो तो डिमांड कर सकते हैं वहाँ पे खाने की। जहाँ पे वो रह रहा है ना, वहाँ पे वो जंगली की तरह रह रहा है। वो तो है, सही बात है। अभी वो बहुत ही मतलब खतरनाक जगह में है, मतलब बॉर्डर, मेन बॉर्डर में ही है ऐसे, है ना? तो गाइस तेजस बैक। हाँ जी, नहीं देना चिज्जी चुज्जी। आया मेरा सोनेता कुर्ता पजामा पहन के गया था। किसने दिया बॉल? बॉल बॉल किसने दिया? सबसे अच्छे मैम कौन से हैं? ये वापस दो, नहीं दूंगा। बहुत दिन से चॉकलेट पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि ऊपर से मैंने मिक्सी भी खरीदी थी, इसका यूज ही हो जाए। तो हम इसमें जाएंगे चॉकलेट और इसमें डालेंगे बहुत सारा दूध, देखते कैसे बनता है। तो आज मेरा मिल्क शेक सारा गिर गया मैंने ना ग्राइंड किया उसको, उसके ना निकाल रहा था तो ना निकल नहीं रहा था, मैंने जोर लगाया, जब निकला ना हाथ से झटक के सारा गिर गया। मेरी किस्मत में नहीं था यार। तो गाइस राधिका आज गई हुई है सत्संग में और यहाँ पे चाय बनाई जा रही है मेरे द्वारा, जो कि यार टेस्ट ही नहीं बनाता। मैंने अभी मैगी बनाई थी इसमें, भाई मैगी तो, मैगी का मैं खुद का अपना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और बनाई थी मैंने नेपाली वाई वाई चाय चू, जो कि बहुत स्वाद लगा मेरे को। मैं स्वाद बनाता हूँ, बिकॉज सब्जी टेस्टी नहीं थी तो भाई मैंने मैगी के साथ राइस खाए हैं। कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैगी के साथ राइस कौन कौन खाता है और किस किस ने खाया है। और ये देखो, कोई लोग कहते हैं ना ठंडा दूध फ्रिज वाला नहीं डालना चाहिए, फिर टेस्टी नहीं बनता, बट अब क्या करें, फ्रिज में ही दूध था तो डालना ही पड़ेगा। चाय पीऊंगा और आपको बताऊंगा टेस्टी था या नहीं। इस चाय बन चुकी है जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, जैसे एज यूजल मुझे पता ही था। इसमें चीनी कम है और हल्का ना पानी पानी जैसा लग रहा है यार, इतना ज्यादा दूध डाला फिर भी पानी पानी जैसा लग रहा है। रिकॉर्ड है कि चाय मेरे से टेस्टी नहीं बन सकती भाई। गाइस ये मेरी लास्ट वीडियो है, मेरा चैनल डेड हो गया, अब से मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। बोलना चाहता था बट मैं ऐसा बोलूंगा नहीं गाइस। मैं आपको बोलना चाहता हूँ
कि आई नो गाइज मेरा चैनल डेड हो गया है. क्यों हो गया? बिकॉज मैंने बीच बीच में वीडियोस बनाई 15-20 दिन, फिर गायब रहा. और मेन चीज ये है कि गाइज जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली है ना, शॉर्ट्स वीडियो का मैंने एक चीज एनालाइज की है, शॉर्ट्स वीडियो मेरे बहुत ज्यादा वायरल होती है, ठीक है. तो उसके कारण मेरे सब्सक्राइबर काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गए और जो बड़ी वीडियो के सब्सक्राइबर थे वो कम रह गए. तो जब सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाते हैं और बड़ी वीडियो पे रीच आना कम हो जाती है ना थोड़ी, उससे सब्सक्राइबर से, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब फिर उसको यूट्यूब को ऐसा लगता है कि ये चैनल डेड है, तो रिकमेंड करना आगे बंद कर देता है. मेरे दिमाग में मुझे ये चीज़ चली है. तो मैं गाइस सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स का अलग चैनल बनाऊंगा, जो कि मैं आपको 2 या 3 वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अभी मैंने बनाया नहीं है, बना दूंगा. और अब ये वाले जो चैनल में सिर्फ व्लॉगिंग नहीं आएगी, अब मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए चैनल को बहुत चीजें मैं डालूंगा, चैलेंजेस, प्रैंक. तो इस टाइम मेरे को आपके नीड की बहुत ज्यादा जरूरत है. हम स्टेप बैक करेंगे. बहुत लोग खुश हो रहे थे कि मेरा चैनल डेड हो गया. आपको पता ही है बहुत लोग होते हैं जो खुश होते हैं, हमें पता है कौन खुश हो रहे थे. तो बहुत लोग खुश हो रहे थे कि भाई इसका चैनल तो डेड हो गया, इसका करियर खत्म. भाई ऐसे करियर खत्म नहीं होते. एक जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, कभी ना कभी सक्सेस. पहले भी हम जीरो थे, अभी जीरो तो नहीं है ना, अभी बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं. ये है कि चलो चैनल में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इस चैनल को और ग्रो करेंगे, और जो पुराना और जो नया चैनल बनाएंगे शॉर्ट्स वाला उसको भी ग्रो करेंगे. तो गाइस सपोर्ट दिखाओ बहुत ज़्यादा. जैसे मैंने कल मम्मी का मेकअप वाली वीडियो बनाई थी, बहुत लोग खुश हुए कमेंट में, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया. आप लोग भी, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो वीडियो की, वो भी जाके आप देख सकते हो. और बहुत सारे चैलेंजेस वाले वीडियोस अब आने वाली है, और बहुत सारे प्रैंक्स वाली वीडियो आने वाली है. तो बने रहो, और 2-3 दिन बाद आपको शॉर्ट्स का चैनल भी मिल जाएगा. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय.